आकाशवाणी है चंद्रावली। आज प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी। तो आइए सुनते हैं ये नाटक चंद्रावली। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। आइए आइए नारद जी, कहिए कुशल तो है, किस देश को पवित्र करते हुए आए हैं? सुखदेव जी, आपसे महापुरुष के दर्शन हो और फिर भी कुशल न हो, ये बात तो सर्वथा असंभव है। हाँ, इस समय तो मैं श्री वृंदावन से आता हूँ। आहा, आप धन्य है जो उस पवित्र भूमि से आते हैं, धन्य है उस भूमि की रज। कहिए वहां क्या क्या देखा? वहां परम प्रेमानंदमयी श्री वृज वल्लभ भी लोगों का दर्शन करके अपने को पवित्र किया और उनकी विरहा अवस्था देखता बरसों वहीं भूला पड़ा रहा। आहा, ये श्री गोपी जन धन्य है। कहिए उन सब गोपियों में प्रेम विशेष किसका है? विशेष किसका कहूं और न्यून किसका, एक से एक बढ़कर हैं। हाँ, श्री चंद्रावली जी के प्रेम की चर्चा आजकल ब्रिज के डगर डगर पर फैली हुई है। आह, कैसा विलक्षण प्रेम है। यद्यपि माता पिता भाई बंधु सब निषेध करते हैं और उधर श्री राधा जी का भी भय है, तथापि श्री कृष्ण के जल में दूध की भांति मिल रही है। धन्य है वे कुल को वरन जगत को अपने निर्मल प्रेम से पवित्र करने वाली हैं। आहा, ये वंशी का शब्द तो और भी ब्रज लीला की सुधि दिलाता है। चलिए चलिए, अब तो ब्रज का वियोग सहा नहीं जाता, शीघ्र ही चल के उनका प्रेम देखें। उस लीला को देखे बिना आंखें व्याकुल हो रही हैं। प्यारी चंद्रावली, व्यर्थ इतना सोच क्यों करती है? नहीं सखी, मुझे सोच किस बात का है? ठीक है, ऐसी ही तो मूर्ख है कि इतना भी नहीं समझती। नहीं ललिता सखी, मैं सच कहती हूँ, मुझे कोई सोच नहीं। बलिहारी सखी, एक तू ही तो चतुर है, हम सब तो निरी मूर्ख हैं। नहीं सखी, जो कुछ सोच होता तो मैं तुझसे कहती ना। तुझसे ऐसी कौन बात है जो छिपाती? इतनी ही तो कसर है, जो तू मुझे अपनी प्यारी सखी समझती तो क्यों छिपाती? चल, मुझे दुख ना दे, भला मेरी प्यारी सखी तू ना होगी तो और कौन होगी? पर ये बात मुख से कहती है, चित से नहीं। क्यों? जो चित से कहती तो फिर मुझसे क्यों छिपाती? नहीं सखी, यह केवल तेरा झूठा संदेह है। सखी, मैं भी इसी ब्रज में रहती हूँ और सब के रंग ढंग देखती हूँ, तू मुझसे इतना क्यों उड़ती है? क्या तू ये समझती है कि ये भेद मैं किसी से कह दूंगी? ऐसा कभी ना समझना। सखी, तू तो मेरी प्राण है, मैं तेरा भेद किससे कहने जाऊंगी? सखी, भगवान न करे किसी को किसी बात का संदेह पड़ जाए। जिसको जो संदेह पड़ जाता है वो फिर कठिनता से मिटता है,
अच्छा तू सौगंध खा। हाँ सखी तेरी सौगंध। क्या मेरी सौगंध? तेरी सौगंध कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं? फिर तू चली मैं अपनी चाल से, तेरी छल विद्या कहीं नहीं जाती। तू व्यर्थ इतना क्यों छिपाती है? सखी तेरा मुखड़ा कह देता है कि तू किसी की प्रीत में फंसी है। सखी मेरी रानी ये आंखें ऐसी बुरी हैं कि जब किसी से लगती हैं तो कितना भी छिपाओ नहीं छिपती। वाह सखी क्यों ना हो, तेरी क्या बात है। अब तू ही तो एक पहेली बुझाने वालों में बची है। चल बहुत झूठ ना बोल, कुछ भगवान से भी डर? जो तू भगवान से डरती तो झूठ क्यों बोलती। वाह सखी अब तो तू बड़ी चतुर हो गई है, कैसा अपना दोष छिपाने को मुझे पहले से झूठी बना दी। नहीं सखी तू क्यों झूठी है, झूठी तो मैं हूँ, और जो तू ही बात न पूछेगी तो कौन बात पूछेगा। सखी तेरे ही भरोसे तो मैं ऐसे निडर रहती हूँ और तू ऐसे रूसी जाती। नहीं बस अब मैं कुछ नहीं पूछने की, एक बेर पूछ कर फल पा। नहीं सखी ऐसी बात मुझसे मत निकाल, एक तो मैं आप ही मर रही हूँ, तेरी बात सुनने से और भी अधमरी हो जाऊंगी। प्यारी तुझे मेरी सौगंध, उदास न हो, मैं तो सब भांति तेरी हूँ और तेरे भले के हेतु प्राण देने को तैयार हूँ। ये तो मैंने हंसी की थी, क्या मैं नहीं जानती कि तू मुझसे कोई बात न छिपावेगी, और छिपावेगी तो काम कैसे चलेगा। तो सखी ऐसी कौन बात है जो तुझसे छिपी है, तू जानबूझ के बार बार क्यों पूछती है? ऐसे पूछने को तो मुंह चिढ़ाना कहते हैं, और इसके सिवा मुझे व्यर्थ याद दिलाकर क्यों दुख देती है। मैं तो पहले ही समझी थी ये तो केवल तेरे हट करने से मैंने इतना पूछा, नहीं तो मैं क्या नहीं जानती। सखी मैं क्या करूं, मैं कितना चाहती हूं कि ये ध्यान भुला दूं, पर उस निठुर की छवि भूलती नहीं, इसी से सब जान जाते हैं। सब कुछ बीत चुकी है। सखी ये नैना, सखी ये नैना।
देखी ये नैना बहुत बुरे, और फिर इनका हट ऐसा है कि जिसकी छवि पर रिश्ते हैं उसे भूलते नहीं, और कैसे भूलें, क्या वो भूलने के योग्य है? पर सखी, एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे तू इस समय दुखी है वैसे सर्वदा नहीं रहती। नहीं सखी, ऊपर से दुखी नहीं रहती, पर मेरा जी जानता है जैसे रातें बीतती हैं। मनमोहन ते बिछुरी जब सो तन आसुन सो सदा धोवती, हरिचंद जू प्रेम के फंद परी कुल की कुल लाज ही खोवती हैं। दुख के दिन को भांति बीते बिरहा कम रैन संजोवती हैं। हम ही अपनी दशा जाने सखी, निसी सोवती हैं किधो रोवती हैं। सखी तू धन्य है, बड़ी भारी प्रेमिन है, और प्रेम शब्द को सार्थक करने वाली और प्रेमियों की मंडली की शोभा है। पर मेरी इतनी विनती है कि तू उदास मत हो, जो तेरी इच्छा हो पूरी करने को तैयार हूँ। हाँ सखी, यही तो आश्चर्य है कि मुझे कुछ इच्छा नहीं है और ना कुछ चाहती हूँ, तो भी मुझको उसके वियोग का बड़ा दुख होता है। सखी मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि तू धन है, संसार में जितना प्रेम होता है कुछ इच्छा लेकर होता है, और सब लोग अपने ही सुख में सुख मानते हैं, पर उसके विरुद्ध तू बिना इच्छा के प्रेम करती है और प्रीतम के सुख से सुख मानती है। ये चाल संसार से निराली है, इसी से मैंने कहा था कि तू प्रेमियों की मंडल को पवित्र करने वाली है। जादा आ, लोक ला
प्यारे, तुम तो सुनने वाले हो। ये आश्चर्य है कि तुम्हारे होते हमारी ये गति हो। प्यारे, जिनको नाथ नहीं होते वे अनाथ कहते हैं। जो यही गति करनी थी तो अपनाया क्यों? पहले मुसुकाई लजाई कछु, क्यों चिते मुरी मो तन छाम कियो। पुनि नैन लगाई बढ़ाई के प्रीत, निबाहन को क्यों कलाम कियो। हरिचंद भये निर्मोही इते, निज नेह को यूं परिणाम कियो। मन माही जो तोरण ही की होती, अपनाई के क्यों बदनाम कियो। अरे वन देवी, ये कौन आखिन है मूंद के अकेली या निर्जन बन में बैठ रही है? अरे का तो यही नाई जाने, ये राजा चंद्रभानु की बेटी चंद्रावली है। तो यहाँ क्यों बैठी है? राम जाने। आहा जाने, अरे ये तो सदा यहाँ ही बैठी बकियो करे है। और ये तो या बन के स्वामी के पीछे बावरी हो गई है। तो चलो यासु कुछ पूछे। चल। अरे मेरी बन की रानी चंद्रावली, राम सुनेहु नहीं है, ये तो अपने से बाहर हो रही है। अरे सुने नायनेरी, मेरी अलग लड़ाती चंद्रावली। हाँ हाँ। अरे क्यों चिल्लाए है, चोर भाग जाए को। कौन सा चोर? माखन को चोर, चीरन को चोर और मेरे चित्त को चोर। सो कहाँ सो भाग जाएगो? फेर बके जाए है। अरे मैंने अपनी आखिन में मुंदी राख्यो है, सो तू चिल्लाए कि तू निकसी भागेगो। देखो उधर खड़े प्राण प्यारे मुझे बुलाते हैं, तो चलो उधर ही चले। कहाँ चली सज के प्यारे सो मिलन काज, कहाँ तू खड़ी है? प्यारे ही कोई यह धाम है। कहाँ कहे मुखसो? प्यारे प्राण प्यारे। कहाँ काज है? प्यारे सो मिलन मोही काम है। मैं हूँ कौन बोल तो? हमारे प्राण प्यारे हो ना। तू है कौन? प्रीतम प्यारो मेरो नाम है। पूछत सखी के एक उत्तर बतावत, जकी सी एक रूप आज श्यामा भई श्याम है। कौन है कौन है? पीछे से मेरी आंखें किसने बंद की? मैं हूँ। कौन है तू? मैं हूँ तेरी सखी वृंदा। तो मैं कौन हूँ? तू तो मेरी प्यारी सखी चंद्रावली है ना, तू अपने हूँ को भूल गई? तो हम लोग अकेले बन में क्या कर रहे हैं? तू अपने प्राणनाथ खोज रही है ना? प्राणनाथ है? हाँ प्राणनाथ। हाँ प्यारे प्यारे, अकेले छोड़ के कहाँ चले गए नाथ? ऐसी ही बदी थी प्यारे, ये वन इसी बेह का दुख करने की हेतु बना है कि तुम्हारे साथ विहार करने को। जो जैसे बीत रहे।
जाए है। देख तो, ये सखी खड़ी है सो कहाँ कहेंगी? ये कौन है? ये मेरी सखी वर्षा है। ये वर्षा है? तो हाँ, मेरा वो आनंद का घन कहाँ है? हाँ मेरे प्यारे प्यारे, कहाँ बरस रहे हो? गरजना इधर और बरसना और कहीं। सखी एक खड़ी धीरज धर, जब हम चली जाएं तब जो चाहिए सो करियो। अरे सखियो मुही क्षमा करियो। अरे देखो तो, तुम मेरे पास आई हो और हमने तुम्हारो कछु शिष्टाचार न कियो। सखी मुही क्षमा करियो और जानियो कि जहाँ मेरी बहुत सखी है उनमें एक ऐसी कुलच्छी नहीं हुई है। नहीं नहीं सखी, तू तो मेरी प्राणन संहु प्यारी है। और या सखी को नाम का है? या को नाम संध्या है। संध्या वाली आई, क्या कुछ संदेशा लाई? कहो कहो, प्राण प्यारी ने क्या कहा? सखी बड़ी देर लगाई, संध्या हुई तो वो बन से आते होंगे। सखियो चलो छरोखों में बैठे, यहाँ क्यों बैठी हो? भाई ये तो बावरी सी डोले, चलो हम सब वृक्ष की छाया। कहाँ गया? कहाँ गया? बोल, उल्टा रोज ना, भला अपराध मैंने किया है कि तुमने? अच्छा मैंने किया सही, क्षमा करो। आओ प्रकट हो, मुंह दिखाओ। मैं बड़ी निर्लज्ज हूं। अरे प्रेम, मैंने प्रेम इन बनकर तुझे भी लज्जित किया कि अब तक जीती हूं। इन प्राणों को अब न जाने कौन लाहे लूटते हैं कि नहीं निकलते। अरे कोई देखो, मेरी छाती बच्चे की तो नहीं है कि अब तक? अरे दरिया को तो मूछा दे, चलो तो दौरत दौरत हार गई। या ब्रिज की गऊ काहे साण है, कैसी एक साथ पूछ उठाए के मेरे संग दौरी हैं। तापे व निपूते सुबल को बुरो होए, और हूँ तुमड़ी बजाए के मेरी ओर उन सबन को लहकाए दीनो। अरे जो मैं एक संग प्राण छोड़ के न भाजती तो उनके रपट्टा में कब की आए जाती। देख आज व सुबल की कौन गति कराऊं, बड़ो ठीठ भयो है। प्राणन की हंसी कौन काम की? देखो तो आज सोमवार है, नंदगांव में हाट लगी होगी, मैं वहीं जाती, इन सबन ने बीच ही आए धरी। मैं चंद्रावली की पाती वाके यारे सौंप देती तो इतनो खुटको न रहतो। अरे ओए ये गऊए तो फेरी ते कुआर राई। अरे राम राम बचाओ। अरे ये चिट्ठी किसकी पड़ी है? किसी की हो, देखो तो इसमें क्या लिखा है। राम राम, न जाने किस दुखिया की लिखी है कि आंसुओं से भीज के ऐसी चिपट गई है कि पड़ी ही नहीं जाती और खोलने में फटी जाती है। प्यारे क्या लिखूं? तुम बड़े दुष्ट हो। चलो भला सब अपनी वीरता हमी पर दिखानी थी। भला मैंने तो लोक वेद अपना बिराना सब छोड़कर तुम्हें पाया, तुमने हमें छोड़ के क्या पाया? और जो धर्म उपदेश करो तो धर्म से फल होता है, फल से धर्म नहीं होता। निर्लज लाज भी नहीं आती, मुंह ढको फिर भी बोलने बिना डूबे जाते हो। चलो वाह, अच्छी प्रीत निभाई। जो हो तुम जानते ही हो, हाय कभी न करूंगी, यूं ही सही अंत मरना है। मैंने अपनी ओर से खबर दे दी, अब मेरा दोष नहीं बस केवल तुम्हारी। निश्चय ये चंद्रावली की ही चिट्ठी है।
क्योंकि अक्षर भी उसी के से है और इस पर चंद्रावली का चिन्ह भी बनाया है। हाँ, मेरी सखी बुरी फंसी। मैं तो पहले ही उसके लक्षणों से जान गई थी, पर इतना नहीं जानती थी। जो हो, यह पत्र तो मैं आप उन्हें जाकर दे आऊंगी और मिलने की भी विनती करूंगी। चंद्रावली। अभी आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।